welcome back to my YouTube channel Easy in Easy Way. So friends, today in this video I'll talk about the satire. What is satire? Satire means किसी को टिप्पणी करनी, किसी को point out करना. And it's a type of, it's a literary term and it is used in every type of literature, means like novel, drama, fiction, poetry, etc. So Augustan age was its dominant era. तो इस एज में सिटायर बहुत पॉपुलर थी. क्या क्या स्पेशलिटीज हैं इसकी? टू यूज द ह्यूमर, इसमें ह्यूमर यूज होता है. व्हाट इज ह्यूमर? ह्यूमर इज टू लाफ इन अ फनी वे, मीन्स हम फनी वे से किसी का मजाक उड़ाना या किसी की टिप्पणी करना. सो टू वाई टू पॉइंट आउट द नेगेटिविटी, किसी की नेगेटिविटी को हाईलाइट करने के लिए हम उसको उसका मजाक उड़ाएं, दैट इज कॉल्ड सिटायर. तो क्यों लिखी गई सिटायर लिटरेचर में? टू जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट और फॉर अ चेंज इन आवर सोसाइटी इन वर्ल्ड, राइट? तो इसकी भी फर्दर तीन टाइप्स हैं. एक तो है होरेशियन सिटायर, दूसरी है जुवेनेलियन सिटायर, तीसरी है मैनिपियन सिटायर. तो सबसे पहले होरेशियन सिटायर आई, जो कि एक रोमन सिटायर है हमारे होरेस, उनके नाम से निकल करके आई. तो ये वाली जो सिटायर है ये सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट लिखी गई, इसमें कोई भी सोसाइटी का में चेंज लाने की जरूरत नहीं समझी गई. मीन्स इसमें जस्ट के लोगों को एक एंटरटेनमेंट के लिए, इसकी जो सिटायर जो थी वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट शुरू हुई, ठीक है. इसकी एग्जाम्पल देखें हम तो अलेक्जेंडर पॉप का एक वर्क है द रेप ऑफ लॉक है, जुवेनेलियन सिटायर. तो ये एक रोमन सिटायरिस्ट है, ये भी उन्हीं के नाम से निकल करके आई है. एंड ये इसके एंटी है, मतलब इसके अगेंस्ट है. ये कॉमिक वे में लिखी जाती थी, ये सीरियस वे में लिखी जाती थी, ट्रेजेडी फॉर्म में लिखी जाती थी. इसमें आयरनी देखने को मिलती है और ये पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, मींस यहाँ पर फॉर अ चेंज ऑफ इन आवर सोसाइटी, यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है कि जो भी हमारी पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं उनके अगेंस्ट, जो सोसाइटी की वेलफेयर के लिए नहीं एक्सेप्टेबल थी, उनके अगेंस्ट उसमें टिप्पणी करने के लिए जो है जुवेनेलियन सटायर जो थी एग्जिस्ट हुई थी. तो इसकी एग्जाम्पल देखें हम तो एक बहुत ही फेमस वर्क है एनिमल फार्म, जो कि जुवेनेलियन सटायर की एग्जाम्पल. नेक्स्ट है मैनिपियन सटायर. तो ये एक ग्रीक सटायर थे मैनिपस, उनके नाम से निकल करके आई. और इसमें वर्ल्ड व्यू टारगेट किया गया, मतलब कोई भी वर्ल्ड की कोई पॉलिसी है. इसमें दोनों ही एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, कॉमिक प्लस ट्रेजेडी. तो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है एक गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो कि जोनाथन स्विफ्ट का वर्क है, वो इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है. सो दीज आर सम फेमस काइंड ऑफ सटायर एंड आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट जो है सटायर के बारे में वो क्लियर हो गया होगा. वॉचिंग टिल द लास्ट, सी इन माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच.